वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन रिलायंस कैपिटल स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो रिलायंस कैपिटल स्टॉक की बात की जाए तो 11.15 पे रिसेंटली ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हमने पहले भी बात की थी कि स्टॉक में अभी फिर से लोअर सर्किट लगेगा, स्टॉक में ट्रेडिंग बैन हो जाएगी और रिसेंटली देख सकते कि हर मंडे के दिन यहाँ पे आप लोगों को ट्रेडिंग होती हुई नजर आ जाएगी रिलायंस कैपिटल के अंदर। पर देख सकते कि मोमेंट की कोई फायदा नहीं क्योंकि देख सकते फिर से ट्रेडिंग बैन हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते डेप्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम। तो हम लोग न्यूज़ के ऊपर नजर डालेंगे रिलायंस कैपिटल स्टॉक के। न्यूज के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि लेंडर्स प्लान टू पुट रिलायंस कम्युनिकेशन एचक्यू इन नवी मुंबई ऑन सेल। तो देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन को यहाँ पे लेंडर जो है और रिलायंस कम्युनिकेशन का एचक्यू जो है नवी मुंबई में वो सेल करने की सोच रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन। और बाकी रिलायंस कैपिटल रिगार्डिंग की न्यूज बात की जाए तो रिसेंटली कोई न्यूज यहाँ पे सामने नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते क्लैरिफिकेशन अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा है। टोरेंट और यहाँ पे आप देख सकते इंदुजी का जो यहाँ पे जो है एक्वायर करने का जो प्रोजेक्ट था वो अभी तक यहाँ पे सामने नहीं आया है। पर रिसेंटली देख सकते कि हम लोग रिलायंस कैपिटल की बात की जाए तो रिसेंटली देख सकते स्टेज वन है मीन्स फिर से कल से यहाँ पे ट्रेडिंग को बैन किया जाएगा, ट्रेडिंग पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे। और लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो करंटली कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं, 6 ऑफ जान के बाद कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है। तो रिसेंटली देख सकते कि जो लेंडर जो कोई भी एक्वायर करेगा स्टॉक वो एक्वायर होने के बाद जो है रिलायंस कैपिटल में यहाँ पे थोड़ी सी मोमेंटम नजर आ सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी हो सकता है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट रिलायंस कैपिटल स्टॉक के लिए।